नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मानसून के बारे में, मौसम के बारे में, वेदर के बारे में। अगर दोस्तों आप वेदर की, मौसम की सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, सटीक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि क्या बारिश होगी, नहीं होगी, कैसा मानसून है, तो आप कैसे जान सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आप मानसून की कन्फर्म सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है तो इसके कुछ ऐप भी आते हैं, एप्लीकेशंस आती है, एप्लीकेशंस का यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना एप्लीकेशन से अपने कंप्यूटर के माध्यम से करना है तो आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको यहां पर इंडियन वेदर इंफॉर्मेशन सर्च कर लें। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट आ जाती है। देखिए, फाउंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है ये वाली, mansoon.imd.gov.in। इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको अगर सटीक भविष्यवाणी जाननी है तो उसके लिए थोड़ा इसको बड़ा करना है और यहां पर एक मैप इन्होंने दे रखा है, इस मैप पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने जैसे राजस्थान पर क्लिक करा, क्लिक करते अब मुझे माना कि राजस्थान के अंदर जयपुर का मानसून जानना है साहब, तो मैंने जयपुर पर क्लिक करा। जयपुर पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहां से आपको स्क्रॉल इधर देख सकते हैं, इधर साइड में देखेंगे तो आपको जयपुर का मानसून आ चुका है। 56% बारिश की संभावनाएं, जो गति चलने वाली है वो गति की इंफॉर्मेशन भी यहां पर मिल जाती है और कुछ इस टाइप का एरिया यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है मानसून, मानसून कुछ इस टाइप से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको एक बार मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं, इसके साथ दोस्तों अगर आपकी रेन की इंफॉर्मेशन जाननी है, बारिश की क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली, तो रेन इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। रेन इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जानना है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज को सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको अपने स्टेट, जैसे मैं राजस्थान हूं तो राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। राजस्थान के बाद में अब माना कि मुझे यहां से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जानना है, जैसे मैं राजस्थान में यह डिस्ट्रिक्ट का जानना चाहता हूं, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या मानसून रहने वाला है, तो कोटा डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहां इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहां पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अदर अदर जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप करना चाहते हैं, मैं बैक निकल गया था, तो यहां से देखिए मैं इसको फर्स्ट टाइम टू डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेता हूं ताकि क्वालिटी थोड़ी बढ़िया लगे। यहां से हमने राजस्थान पर क्लिक करा, क्लिक करते ही मैप लोड हो चुका है राजस्थान का। यहां से हमने कोटा डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करा, है ना भैया, कोटा डिस्ट्रिक्ट पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते इन्होंने बता दिया है कि कितने परसेंट क्या संभावना है, वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम इधर बारा डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते हैं, यहां पर भी आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इन्होंने बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बता दिया है जो संभावना है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। कुछ इस टाइप से आप यहां की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप भी इस चीज का यूज करना चाहते हैं, अगर आप मानसून का यूज करना चाहते हैं तो यहां से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन माना कि हमें मानसून की इंफॉर्मेशन यहां से नहीं लेनी है भैया, हमें तो कोई और तरीका बताइए इसके अलावा, तो फिर आपको इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक एप्लीकेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, फिलहाल मैं इसका अपने हिसाब से यूजेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं, आप अगर यूज करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। यहां पर एक्यू वेदर है, इस एक्यू वेदर पर एक्यूरेट वेदर है, एक्यूरेट वेदर यानी एक्यू वेदर, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल रही होगी। तो दोस्तों इस वेदर के माध्यम से भी आप इसकी काफी इंफॉर्मेशन यूज में ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन का काफी समय से उपयोग कर रहा हूं, एवरेज देखा जाए तो लगभग 4-5 साल से इसी चीज का यूज कर रहा हूं, तो काफी सटीक तो नहीं लेकिन फिर भी एक्यूरेट भविष्यवाणी कुछ कुछ बता देता है। यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डे वाइज जानना है आपको तो यहां से, अगर आपको दिन के हिसाब से भविष्यवाणी जानने की कौन से दिन में क्या रहेगा मौसम, उसके लिए आप यहां पर हिस्ट्री पर हावर्स के हिसाब से, डे के हिसाब से देख सकते हैं। माना कि मुझे डे के हिसाब से चाहिए भैया, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि मौसम के हिसाब से कुछ एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे,
इसके बाद में हमने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर डेली के सबसे भविष्यवाणी उन्होंने बता रखी है कि आज के दिन में 56% रेन की संभावना है, आज के दिन में 56% बारिश की संभावना बता रखी है। नाइट के अंदर 25% संभावना बता रखी है। और यहाँ पर जैसे दिन के अंदर अगर अपन देखते हैं डे के टाइम पे इन्होंने बता रखी है कि कितनी परसेंट बारिश होगी, 1.8 mm यानी 1.8 मिलीमीटर बारिश की संभावना यहाँ पर बता रखी है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन का यूज करना है या इस एप्लीकेशन को बाय करने की सोच रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।